ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते आरती लीजिए पंडित जी क्या कर रहे हो भाई एक्सक्यूज मी सॉरी गुस्सा मत होना भाभी इसके बारे में घर वालों को मत बताना Once more, please. Thanks. Thank you. अरे सुलिया क्या सुलिया क्यों सुलिया क्या बात है वो काउंसलर और उसके आदमी अपने नंद कुमार को बुरी तरह से पीट रहे हैं यार क्या बात है वही पानी का लफड़ा अब तक मैंने तुम्हारी बहुत मार खा ली मगर अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा यदि मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी अब तक तुम्हें जो मिला वो कम था क्या और मारो इसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम मैं नहीं चिल्लाता तो ये मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करते थे चुनाव क्या चुनो इनमें से इन दोनों में से एक को चुनो लेकिन क्यों चुनो ये फैसला करना है कि तुम्हें यहाँ छोड़ जाओ साथ में ले जाओ अरे भैया मुझे लगा तुम अपना कुंफू जूडो कराटे सभी स्टाइल को मिक्स करके सुपर फास्ट सुब्रमण्यम जैसे योद्धा का प्रदर्शन करेगा लेकिन तू तो स्वामी सुब्रमण्यम का चेला बनकर चांद गया है भाई साहब कौन है काउंसलर है इसके पहले ये कहाँ थे पटना जेल में रह चुके हैं तिहाड़ जेल में रह चुके हैं अभी सेंट्रल जेल में 6 महीने अतिथि के रूप में रहेगा कंडीशन बेल में झूठ कर रहे हैं ये सरकारी आदमी है ये चाहे तो पानी को पैकेट में भरकर बेचे या बोतल में भरकर बेचे इससे तुम्हें क्या ठीक से बंद करो किससे मैंने ठीक कहा चर्बी चढ़ी है क्या नहीं नहीं सर चर्बी भरी भी कुछ नहीं है सर मैं तो बस एक सीन दिखा रहा था सीन क्या मैं तुझे पूरी फिल्म दिखाऊंगा नहीं सर ये सहा नहीं जाएगा अब आया समझ में मैं तुम्हारी बात कर रहा था सुनिया छोड़ना मत मदद चाहिए तो मैं आता हूँ यार यार मैं तो वैसे ही बोल रहा था तुम्हें तो बोल सकते पानी बहुत मार लगे क्या हवा प्यासे को पानी पिलाने वाला ही इंडियन होता है पानी पिलाकर मार खाने वाला भी इंडियन होता है दीदी क्या बात है पूरा बदन दर्द कर रहा है जी इसे कहकर सरकारी पानी का बंदोबस्त करा दो जरा यहाँ सभी सरकारी पानी है मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा उस हा? पानी की बात कर रहा हूँ जिसे पीने से शरीर में करंट का नशा चढ़ जाता है तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हाँ ये तुम भी रखते हो क्या जी हाँ आज काउंसलर को मारा है कल
एमएलए को मारेगा, इसी तरह चलता रहा तो एक एक करके सबको मिटा देगा। आप इसके बारे में इससे कुछ पूछते क्यों नहीं है? मुझसे जितना डरता है उतना आपसे क्यों नहीं डरता है? तुम ही ने बिगाड़ा है इसे। जया, वो जो भी करेगा करेक्ट ही करेगा। करेक्ट करने वाला, गलती सुधारने वाला ये कौन होता है, कमिश्नर या हाई कोर्ट का जज? हाय रम्या, अंदर क्यों है? अंदर एक महायुद्ध चल रहा है। किस लिए? सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? आ जाओ। तो अपने आपको समझता क्या है हा? एक एक को मारता पिटा रहता है। तेरे भविष्य की चिंता मुझे लगी रहती है सूर्या। तूने तो लॉ भी खत्म कर दिया है ना, फिर किसी के पास जाकर जूनियर क्यों नहीं बन जाता? नहीं तो अपने गाँव जाकर फसल की देखभाल कर। ये सब काम करने के बजाय तो मुझे टेंशन देता है। ज्यादा उछलो मत दीदी, तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? पानी ना पंप में ना पाइप में तो सरकार ने लोगों के लिए टैंकर का प्रबंध किया, और ये काउंसलर के नाम पर गुमराह करके अपने मिनरल वाटर की फैक्ट्री में उसे ले जाता है, उसे बोतल में भरकर बेच डालता है। जब नंद कुमार ने इस बारे में पूछताछ की तो उसे पीटने लगे। मैं क्या चुप बैठता? अब मैंने भी थोड़ा सा दिखा दिया अपना। उसे पूछने के लिए कानून के लोग है ना, तुझे पूछने की क्या जरूरत थी? तुम अपना पावर कट करो, क्यों खिटपिट करती रहती हो? वो मेरी बात जरा भी नहीं मानता है। देखिए सुनिए, आप इसे जाकर समझाइए, समझाइए ना। सूर्या, ये क्या हो रहा है? तुमने ब्रांड कब से चेंज किया? आप ही लीजिए। ओहो सूर्या जी, इस कौंसलर को मारा वो कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर आता है? नुंगम बकम। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वहाँ पे इंस्पेक्टर शर्मुखानंदन है ना। अरे दीदी आप भी? ए! मुझे मालूम नहीं था। आप ही ऐसा करोगे तो कैसे सुधारूंगी, पूछिए ना इसे। पूछा ना, उसके पास एक ही सिगरेट था इसलिए उसी का लेकर एक पर। कॉमेडी है क्या? इसमें कोई कमी है क्या? पहले किसी लॉयर के पास इसे जूनियर बना दो। क्यों, मैं लॉयर नहीं लगता क्या? मैं इसे अपना जूनियर बना लेता हूँ क्यों? घर में बस नहीं चला तो कोर्ट में भी साथ रहना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं है, वो आपके सीनियर है ना लक्ष्मी नारायण, उनके पास भेज दीजिए। दीदी की सिफारिश है, लक्ष्मी नारायण के पास ही भर्ती होना है। क्यों, मेरे लिए तो ओके है, आप संभाल सको तो। मेरे लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट मंगाया था वो लाया है क्या? ये वो, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएंगे मैं केस को कैसे फाइल करूंगा? हाउ कैन यू आर्गू इन द कोर्ट विद द जज? कौन है तू? तुझे भी डिसिप्लिन नहीं आता जो तू ऐसे अंदर आ रहा है? दरवाजा लॉक करके अंदर आना चाहिए ना। जा जी साहब, अगले तारीख को मेरे कहे अनुसार डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना, समझे? ठीक है, आ जा आ जा, तभी मैं कोर्ट में आर्गू करूंगा, समझ गए? क्या किया? फाइल पे रख दिया। जा, डिसिप्लिन का मतलब नहीं मालूम तुझे क्या? देख के रखना चाहिए ना, जा। आप चाय पीजिए सर जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे सिफारिश की कोई जरूरत नहीं, अगली बार आना तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, ठीक है ना? ग्लास को प्लेट में रखे, डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? जाइए जाइए। अच्छा सर, आगे दीजिए। हेलो, कभी फोन करने के लिए बोला था, अभी फोन कर रहा है? ऐसे काम होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। बात करते हैं। कम इन। यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। तुम कौन? सूर्या। अच्छा अच्छा, शक्ति का साला। हाँ, तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम्हें जूनियर बना लूं। मैं भी क्या है ये? क्या सर? नहीं, जिसे तुमने पहना हुआ है वो? वो तो ठीक है, शर्ट के ऊपर शर्ट है, फैशन है। ये क्या है? क्या तुम्हारे कमीज से ही तुम्हारे तमीज का पता चलता है, समझ गए? मैंने सुना तुमने काउंसलर को मारा, तुम्हारी बहन ने बताया डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। हाँ ठीक है सर। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, ये आदत क्यों पकड़ी? बोलो, तुमने सिगरेट की आदत क्यों पकड़ी है? मैंने तो सिगरेट पीना छोड़ा। अच्छा, बच्चों मेरे से ही होशियारी। इसी तरह शिवमणि नाम के एक डिफेंस लॉयर ने मेरे साथ होशियारी की थी, मैंने उसे एक ही लॉ पॉइंट में टपका दिया, जज ने भी मेरे आर्गुमेंट को सुनकर ताली बजाई। जी जी। तुम क्यों ताली बजा रहे हो? जज ने किया था बस। कमिंग टू द पॉइंट, तुम सिगरेट छोड़ दो, मुझे सिगरेट पीने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सबसे पहले तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। सिगरेट छोड़ दिया? छोड़ा क्या तुमने? जी सर। वेरी गुड, कल सुबह 9 बजे कोर्ट पे पहुंच जाना, समझा? समझा क्या? मुझसे नहीं कुछ बोल रहा है, समझ गया सर। हाँ, ये डिसिप्लिन है, यही मुझे चाहिए। अच्छा अब निकल। जी। एडवोकेट लक्ष्मी नारायण हूं मैं, किसकी जुर्रत जो मेरे सामने तुम हिला है? फिर ये किस खेत की मूली है?
तो सबसे पहले तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। इन सबको तो सुधार ही नहीं सकते, कलयुग है। तूने कहा था प्रिया आएगी, लेकिन वो तो आई नहीं। फ्री में कैसे आएगी? तूने प्रिया कहा, मुझे फ्री सुनाई दिया। इसकी बात पे ध्यान मत दे, चल आइए सब आइए। एक्वेरियम देखने आए ना? कौन है तू? यहाँ का स्टाफ। पहले तू अपने अधिकारी से कहकर कमीज बदल ले, वरना जनता चेस बोर्ड समझकर चेस खेलना शुरू कर देगी। लव फिश देखी? क्या कहा? लव फिश? लव फिश? मैंने येलो फिश देखा है, गोल्ड फिश देखा है, सेल्फिश भी देखा है मैंने। वो तो तू है। ये नया लव फिश क्या बोल रहा है तू? यही कि मादा के बगैर नर अधूरा और नर के बगैर मादा अधूरा। अगर पानी नहीं तो दोनों भी तो मर जाएंगे। अरे यार कैसे? अबे कभी कभी बोल देता हूँ, तू जाकर अपनी फिश को संभाल, मैं इसको संभालता हूँ, पटाता हूँ, जा। हाँ भैया, कोई खूबसूरत सी फिश मिलेगी क्या? मानो मेरा नाम क्या है? हथौड़ा। हथौड़ा, चलो चलते हैं। ए प्रिया, हाँ? बस बहुत देख लिया, अब चलते हैं। अरे यार ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? विश्व को अच्छी तरह से देखेगा, ऊपर से देखेगा, नीचे से देखेगा, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। अरे ये तो है स्टार मॉडल। हाँ, स्टार फिश यहाँ है तो अंदर क्या कर रहा है? अरे यार इस स्टार को अपने स्टार ने देखा, जरूर देखा होगा। रास्ता छोड़ रहे रे, वो मछलियाँ कितनी सुंदर थी ना, मुझे पता है रे। चेहरा देख, चेहरा देख, दाल में कुछ काला है। अंदर क्या हुआ? मैंने उसे देखा, उसने भी मुझे देखा। और क्या हुआ? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद फिर वो चली गई, मैं चला आया। वो भी चले गए, तू भी चलाया, कहती रहे एक दूसरे को देखती रहे। अरे उसके मन में भी लव है, तेरे मन में भी लव है, दोनों लव को मिलाओगे तभी तो प्यार बढ़ेगा मेरे प्यारे आशिक। अब मैं उस लव को बता कर ही छोड़ूंगा। होता है बहने। अरे मेरी जबान फिसल गई, मतलब मैं उससे कहना कर ही रहूंगा। चलो गोल्ड फिश आगे आ रही है, ग्रीन फिश पीछे है, ये सही मौका है जाकर अपने मन की बात बोल दे। अब जा मेरे सच्चे आशिक, जा। ये सब क्या तमाशा है? हमने सोचा बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। मुंह बंद करके मैं संभाल लूंगा। ऐसा लगता है दोनों बस के इंतजार में खड़े। अरे यहाँ क्या देख रहा है उल्लू? यहाँ क्या कोई मेगा सीरियल चल रहा है? बात ही कर, बात कर। टाइम क्या है? आपके हाथ में तो वॉच है। कहना कितना मुश्किल है, बात करता है। इतना बड़ा आशिक लवपति बिना बोले चल दिया, प्यार क्या है रे? मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता मेरी। हेलो, हाँ जी हाँ, एक मिनट आपके लिए। हेलो, हाँ सर, मैं शमूनाथ बोल रहा हूँ। हाँ शमू बोलो। सर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो काउंसलर FIR दर्ज कराने पे तुला है। FIR फाइल करने से लड़के का भविष्य खराब हो सकता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, मैं काउंसलर से मिलकर बात करूंगा। हाय राइम्स। हाय सूर्या, मुझे एक चित्र बना कर दोगे? ओह क्यों नहीं, अच्छा बनाना। दीदी एक गर्मा गर्म कॉफी पिला दो। जरा रुको, मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ।
डैडी कहाँ है? अंदर है। दीदी जीजू कहाँ है? किसी काउंसलर से मिलने अभी अभी गए हैं। काउंसलर से? क्या ये सब? समझा अपने साले को, उसे बुलाकर मुझसे माफी मांगने के लिए बोलो। भाई साहब, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप उसे। अरे रे रे, उठो उठो उठो, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। सूर्या मेरी बात सुनो, आप उसके पांव क्यों पड़ रहे थे? सूर्या, जो भी हम कल बात कर लेंगे। छोड़िए मुझे। सूर्या, सूर्या मेरी बात मानो। होता कौन है? सूर्या, सूर्या तुम चलो यहाँ से, मेरी बात सुनो। उसी की गलती थी। हाँ मानता हूँ, लेकिन तूने उसे मारकर और भी बड़ी गलती की है। सूर्या, कानून आगे जाने से काटता है और पीछे आने से लात मारता है। वो काउंसलर है, उसके पास जनता के प्रतिनिधि होने का कवच भी है। अगर उसने तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज कर दिया तो तुम क्रिमिनल बन जाओगे और बार काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन पाओगे, फिर लॉयर भी नहीं बन पाओगे। मेरा सपना है तुम लॉयर बनो, खूब तरक्की करो। अबे इस हरे सीलेस वाले के बालों को तो देख यार, सुपर पार्टी दिखती है। इसकी बात कर रहे हो? आजकल ये तो फैशन है, इसी तरह तो जाल में फंसाती है। ऐसा लगता अपने जाल में फंस जाएगी। इंग्लिश में स्टाइल में बोलने पर पटेंगी, अभी देख रहे मैं कैसे पटा। अरे इसे तो मैं भी पटा लूंगा। नहीं रे, मुझे कुछ डाउट लगता है, इसे बड़े केयरफुली डील करना पड़ेगा। चल रानी निकलते। अबे साले क्यों इतना लेट आया? अरे साइकिल पंचर हो गया। तेरे लिए कितने देर रुकने का? कितने कस्टमर वेट करते होंगे गधा। मेरे साबुन लाया कि नहीं? अरे सब लेके रखा है। मैं ना कहता था कुछ डाउट है, लेकिन वो कैसे? अरे कभी कभी आ जाता है। अरे सूर्या, क्या मुंह में सिगरेट रखा है? पुलिस ने देखा तो अंदर कर देगी। अगर जलाया तो ही पकड़ेगी ना, ऐसे कैसे पकड़ लेगी? चलाने पर ही पकड़ेगी ना, कानून का सवाल है। फिर मुंह में क्यों रखा है? टाइल है। अजय, तुम लोगों ने लिफ्ट दिया, ड्रॉप किया। तो यार कुछ मत बोल, देखो वहाँ जाकर दे। अभी एक ड्रॉप नहीं होती तो हम लेते थे। ये तो ऐसे जा रहा जैसे क्या मामला फिट कर देगा। यार तू भी, ये उससे पूछेगा तूने भजिया खाया क्या? वो बोलेगी नहीं वड़ा पाव खाया, तो ये कहेगा उसके साथ मिर्ची खाना मत भूलना, ये कहकर वापस आ जाएगा। ये इसके लिए ओलंपिक की दौड़ है। वो कैसे? अरे यार आ जाता है। उसके साथ बाहर गई थी ना? अरे यार उसने इतना खिला दिया कि वोमिट ही हो गई थी। क्या वोमिट हो गया? कुछ ज्यादा ही खा लिया शायद इसलिए। ए प्रिया, तू क्या खरीदेगी? एक बलून देना। क्या बच्चों की तरह बलून खरीद रही है? हाँ मैं बच्ची ही हूँ। बलून को देखा? नहीं देखा। शर्ट मार है इनको नहीं किया, ये गुंडे की तरह से क्या लगता है? वकील का मतलब है क्या? और नीचे अच्छी तरह से ये क्या है? तूने बालकनी बनाया? स्मार्ट लगना चाहिए। ये क्या है? मेरा चश्मा है कि बात तुम गाय ने आगे कंगी कर रहा है? अंदर कंगी करके आओ। और सुनो एक मिनट, तुम मेरे जूनियर हो इसलिए बदतमीजी मत करना किसी से, समझे क्या? तुम जल्दी कोर्ट में पहुंच जाना। Hmm.
मॉर्निंग। हेलो मैडम, आप पहले से और ज्यादा स्मार्ट लग रही हैं, लेकिन आप बॉर्डर के कलर का ब्लाउज मत पहनिए, कॉन्ट्रास्ट पहनिए, अच्छी लगेंगी। ओके, ये लिपस्टिक कुछ ज्यादा हो गई है, भड़कीली लग रही है, थोड़ा कम कर दीजिए, अप्सरा लगेंगे आप। अपने पिता को वो डॉक्यूमेंट लाकर देने के लिए बोलो, मैं देख लूंगा। उस जज साहब से तो मैं भी बात नहीं करता, तू क्यों बात कर रहा था? डिसिप्लिन ही नहीं है, मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये केस कौन से सेक्शन में आता है? 32, 24, 32। ऐसा तो कोई सेक्शन ही नहीं, तुम्हें कैसे मालूम कौन सा सेक्शन है ये? उसे देखा तो ऐसा लगा। तुमने देखा, मैंने तो नहीं देखा। यू आर इन कंफ्यूजन, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड मेकिंग अस कंफ्यूज्ड। अलावा आपके जजमेंट में एक ऐसा ही सिमिलर केस था। और क्या क्या? ओके, मैंने अभी पूरा ही नहीं किया, इतनी जल्दी क्या? ओके, मैं कह रहा था कि अलाहाबाद जजमेंट का एक कॉपी रख लेंगे, वही लिए तुमने ऐसा कहा ना? अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम बात को जल्दी पकड़ लेते हो। हाँ, मुझे डिसिप्लिन के साथ नॉलेज वाला आशीष बहुत पसंद है, तो अपने पिताजी को बोल रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ब्राइट फ्यूचर है। चोरी की क्या है? एफआईआर कॉपी कहाँ है जी? मतलब क्या मुसीबत है? देखो, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देकर रजिस्टर करने की कॉपी को ही एफआईआर कहते हैं। पढ़े लिखे कहते हो ना, इतनी साधारण सी बात नहीं समझते? ये सारी बातें हमें लोग बैठकर सिखाएंगे क्या? जाओ पुलिस स्टेशन जा करके एफआईआर की कॉपी ले आओ। ठीक है, लाता हूँ। प्रिया, आई लव यू, तेरे लिए ही मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है। आई लव यू टू प्रिया। आगे भाई का भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग भाग जा, पिलो लाकर दे। अरे सच में भाग गई? क्या चल रहा है यहाँ पर? काम वाली को प्रिया समझकर हम उसे आई लव यू कह रहे थे। प्रिया को तुम आई लव यू कैसे कह सकते? क्यों नहीं बोल सकते? तुमने तो उससे कुछ कहा नहीं, उसने विकरार किया नहीं, एडमिशन फ्री था, हमने एप्लीकेशन डाल दिया। देखो बच्चों, शब्द से कहना ही प्यार नहीं होता है, जी कर दिखाना ही प्यार होता है। अगर मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा तो क्या हुआ? वो मुझे याद करती रहती है और मैं भी उसे याद करता रहता। कैसे? देखते जाओ। ये तो बलून ले रहा है यार, चौपाटी में ले जाके बेचेगा शायद। नहीं, लैपटॉप पति। लैपटॉप पति? मैंने कितने पति सुने हैं, शिव के उमापति, दक्षिण के आरएस पति, वन की वनस्पति, जो टेलीपति भी सुना है मैंने, लेकिन ये क्या है, लैपटॉप पति? वेट एंड सी मैन। क्यूरी, इसको देख के तेरे वाले को भूल गया क्या? मैंने शादी से जिद की, तेरा दिखा। ए, तुम चुप नहीं बैठ सकती? बिल आप भर देंगे क्या? Stupid, किसी और को पूछ। अरे यार, अब इसके लिए किसको ढूंढे? हे, देख वो आ रही है। आहा, उस दिन तूने जो बलून फुलाकर लपटपति कहा था ना, कहीं उसी का असर तो उसे यहाँ नहीं खींच लिया? कंफर्म उसी का इफेक्ट है। मैं जाकर पूछता हूँ, मना किया तो? आज रात 9:30 आएगा कहना। अच्छा, बोलता हूँ, तू आ रहा है? नहीं, मैं नहीं आता, नहीं तो वो बात नहीं करेगी, तू जाकर पूछ। खतरे वाली जगह मुझे अकेला भेजता है, मार खिलाएगा लगता है। आज की ट्रीटमेंट रियली सब लव का मामला है। कल रात एक्सक्यूज मी, इस सीट पर अपनी तशरीफ का टोकरा रख सकता हूँ? आप जाकर नेक्स्ट ईयर आइए, मुझे थोड़ी बात करनी है। नो नो, इसे यही रहने दो। अच्छा ठीक है ठीक है, कल रात 9:30 पर आप लपटपति आया था? नहीं है, ऐसा झूठ मत बोलिए। लपति एक सुपर किलिंग है जो रात 9:30 आता है, यहाँ वहाँ सब आता है। आया ना? नहीं,
कुछ छुपा रही है। झूठ मत बोलो, आया ना बोलो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आज रात 9:30 पर आपको लपटपति आएगा। ओके, मैं चलता हूँ। मुझे भी आएगा क्या? तुम्हें भी लपटपति चाहिए क्या? सॉरी, मेरे पास बलून नहीं है। आजकल की लड़कियाँ बलून के साथ ही घूमती है। पुकिये, पुकिये। मुझे दे दीजिए, आज रात 10:30 बजे लपटपति आ जाएगा। पिकअप ड्रॉप स्टेप वाली मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर आगे चढ़ी गया। आपके पिताजी क्या करते हैं? रोड कॉन्ट्रैक्टर। रोड कॉन्ट्रैक्टर, फिर तो सरकारी खजाने से खेलने का खिलौना मिल गया है भगवान। हेलो, हाँ उधर बैठ। अच्छा है। हाँ? सर 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 सर, बहुत अच्छा है। सॉरी सर, सॉरी सर, क्या पढ़ रहे हो? पेंशन की कहानी सर। नो सर, वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। नो, तुम कहानी पढ़ रहे हो? केस पढ़ने को कहा था, तुम कहानी पढ़ रहे हो? चेयर में बैठे हो? किसकी चेयर है? नहीं, नहीं, नहीं। किसे बैठना चाहिए मुझे? आपका। ये डिसिप्लिन है? यू आर नॉट मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। कितनी बार बोलना पड़ता है? देखो आज शुक्रवार है, मैं मंदिर में अभिषेक करके आ रहा हूँ, समझ गए तुम? ठीक है। अभी थोड़ी देर में केस के सिलसिले में दो लोग आएंगे, कंसल्टिंग फी लेकर रखना। तुम मुझसे कोई बात मत करना, यही बिठा कर रखो। मेरे आने तक कहानी मत पढ़ो, केस को पढ़ो। जी सर। डिसिप्लिन रखो। यस सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। वकील साहब से मिलना था। वो मंदिर गए, अभी आ जाएंगे। भाई साहब आप? मैं उनका जूनियर हूँ। क्यों, शक्ल से मैं वकील नहीं लगता क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। ये भाई साहब कौन है? ये मेरे भागीदार। ये पहले का बात था, इतना सब होने के बाद काय का भागीदार? मुझे ऐसा बोलने का कोई शौक नहीं, इन्होंने पूछा मैंने बोल दिया। ए, तेरा मुंह बंद रख। छी, अपना मुंह बंद कर। हेलो हेलो, ये झगड़ क्यों रहे आप लोग? नहीं भाई साहब, मैंने 5,000 की जमीन खरीदी और इसने भी बगल में ही 5,000 की दूसरी जमीन खरीदी। वैसे जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बीच की पगडंडी वो समस्या है। वो पगडंडी मेरी है ऐसा सर्वे नंबर दिखाता है, लेकिन कागजात के अनुसार ये इसका बनता है, इसलिए हमने सोचा कि इसका फैसला कोर्ट में होगा। ये जमीन आपने कितने में खरीदी? 5,000 में खरीदी। और एक बार यहाँ आने में कितना खर्च होता है? बस का चाय पानी कुल मिलाकर 100 रुपया तक खर्च होता है जी। एक बार का 100 रुपए तो 30 बार का 3,000 रुपए खर्च होगा। वकील की फीस 2,000 रुपए, कोर्ट का खर्चा अलग 1,000 रुपए, आपका शारीरिक श्रम अलग। 5,000 की जमीन के लिए 6,000 रुपए खर्च करेंगे? पगडंडी के लिए जमीन बेचकर वकील और तारिक के लिए दंड भरना पड़ेगा। अगर दोनों में सुलह हो जाए तो पैसे बच जाएंगे आपके, सोच कर देख लीजिए। भाई साहब आपने अच्छा सलाह दिया मेरे को, मेरे को समझ में आ गया। हम चलता जी। नमस्कार। धन्यवाद। ओके चलो भाई, मैं तेरा भागीदार। मेरा भागीदार। मैं तेरा भागीदार। मेरा भागीदार। आइए सर। थैंक यू सर। कुर्सी को झाड़ क्यों रहे हो? साफ ही तो है, इसमें कोई बैठा तो नहीं? नो सर। वो पार्टी आई क्या? आए भी और गए भी। चले गए? क्यों? कुछ जमीन की समस्या थी, मैंने कहा वकील की फीस ज्यादा होगी, चले गए। वकील की फीस ज्यादा होगी तुमने बता दिया? बहुत अच्छा किया। ऐसे आने जाने वालों को अगर तुमने अंदर की बात बता दी तो मेरी तो वकालत चल गई। तुझे ऐसा बताने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या होगा, कोई भी नहीं आएगा। सर इस पेपर में मेरे और भी जरूरत नहीं है मेरे बाप, तुम्हें तो जूनियर रखने से पहले मेरे को 10 बार सोचना चाहिए था कि मैं क्या। सर बात छोड़ो। सर चप्पल क्या? मैंने पूछा क्या? डिसिप्लिन चाहिए। यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। हाथ आई लक्ष्मी को वापस भेज दिया, चप्पल की याद दिला दिया। अरे शाहरुख खान, उसे देख रहा कितने दिन में वॉल्यूम बढ़ाना। अरे क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं, रात होते ही इसका मूड ऑफ हो जाता है।
चुपाटी हो चुपाटी जलवो तलश कारा वर्ल्ड ब्यूटी वर्ल्ड ब्यूटी देखी है मेरे यारा हॉट पार्टी हॉट पार्टी चल वो तलश कारा वर्ल्ड ब्यूटी देखी नहीं होगी आरा दिल दे दे तू दे दे दिल दे दे ओ जाने जाना ये तेरा बस तेरा ही है दीवाना छप्पी छप्पी सजना दिल मोर मांग सजना ये 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 हो चुपाटी चल वो तलश कारा world beauty देखी है मेरे यारा देखूंगा मैं हर पल हाँ आँखों में तुझे भर कर तू है राही आवारा है दिल तेरा बंजारा मैंने माना मैं दीवाना तेरा हूँ मैं जाने लगा दिल पे निशान मैं ना प्यार का फसाना तुझे दिल में बसा के रहूंगा हॉट पार्टी चल वो तलश कारा world beauty देखी नहीं सर्दी में इस बर्फीली सर्दी में कुछ बातें करनी है करोगे जो चीटिंग तो कैंसिल होगी डेटिंग झुमा भुमा लूंगा और कुछ न करूंगा मेरी बातें मानो जाना दिल है तेरा दीवाना तुझे अपना बना के रहूंगा हो चुपाटी चल वो तलश कारा वर्ल्ड ब्यूटी देखी है मेरे याला हॉट पार्टी चल वो तलश कारा वर्ल्ड ब्यूटी देखी नहीं होगी आरा दिल दे दे दिल दे दे ओ जाने जाना ये तेरा बस तेरा ही है दीवाना छप्पी छप्पी सजना दिल मोर मांगे सजना It's hot man उसे कब से ढूंढ रही हूँ क्यों तो कुछ ढील रही है अरे पागल ये एस्केलेटर है ओ साइंस एडवांस हो गया क्या देख तेरा मजनू यही कहीं होगा जाकर देख ओके मैं देखती हूँ आज रिएक्शन हुआ क्या जाकर पूछूं? तू मुंह बंद कर मैं जाकर आता हूँ मेरे भाई लव में क्या हेल्प चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझसे पूछ ले एक्सक्यूज मी तुझे जगा देंगे चाहे क्या मैं तुझे जिंदगी दूंगा तू मुझे जिंदगी देगा यू फूल हाँ इतनी बड़ी बात पे लड़की कैसे नॉर्मली बोलकर जा रही है हेलो नहीं किसी को ढूंढ रही हैं नहीं ओके कल रात 9:30 बजे कुछ फीलिंग्स आई हैं तुम्हें
नहीं तो शांति से सोचकर आराम से बताओ, नहीं आया? नहीं। ओके, हमारा दिल एक ही है, मेरा दिल जैसा ही तुम्हारा दिल लग डग धड़का होगा। ओके, एक्सचेंज करूंगा सोचा था, पर चेंज कर लूंगा। चेंज क्यों करोगे? पर तुम्हें तो फीलिंग्स आई नहीं। अब आई। आई क्या? नहीं आई। नहीं आई ना, यही तो मेरे फ्रेंड्स यही कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सूर्या को दूसरी चंद्रा नहीं मिलेगी क्या, अब तो रूट बदलना ही पड़ेगा। क्यों बदलना है? आई थी। आई थी? नहीं। आ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठते हैं, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आओ, दो कोक ले आना। मुझे नहीं चाहिए। ओके ओके, मत लाना भाई। बोलो, आई या नहीं आई? नहीं। लगता है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, मुझे फाइनल जवाब चाहिए। हेलो, क्या ऐश्वर्या बोल रही है? मैं सूर्या बोल रहा हूँ, यहाँ की पार्टी बहुत कमजोर है। हाँ तुम वही ठहरो, मैं अभी आया। नहीं नहीं मैं वही आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे आई थी, आई थी, आई थी। चल 500 रुपया निकाल। किस लिए? किस लिए? टिकट नहीं है इसके लिए। अरे किसने कहा आपसे? झूठ बोलता है, ऐसा है तो दिखा टिकट। मैंने तो निकाला। तो दिखा ना। आओ। 100 टिकट तो है, फिर भागा क्यों? आज सुबह से मैंने कोई जॉगिंग नहीं की तो सोचा भाग लू। प्रॉब्लम है क्या? अब फिर क्यों चढ़ा? मैं तो घर जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि बस में सिगरेट पीना मना है, फिर क्यों पीने जा रहे हो? जलाकर रखो तो गुनाह है, ऐसे पकड़ो तो स्टाइल है। अरे चलो भाई, चलो चलो। ऐसा क्यों करते हो? और नहीं तो क्या, ड्यूटी के टाइम तो ये लोग आराम से बैठे रहते हैं किसी कोने में, और जब ऑफिस के समय लोगों को जल्दी होती है जाने की, तब ये लोग टिकट चेक करने के बहाने से लोगों को परेशान करते हैं, टिकट टिकट करते रहते हैं। मैंने सोचा इन लोगों को मजा चका दिया जाए, धूप में दौड़ा दिया जाए। सूर्या, मैं प्रिया बोल रही हूँ। आज रात को बालून फीलिंग्स आएगी ना? ए सूर्या, ये प्रिया कौन है? हाँ, बलून फीलिंग क्या है ये? प्रिया ना, बलून फुगाने बोल रही ना, फुगा देंगे, दे दो। मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, पहले मारपीट करके आया, अब लड़कियों के फोन आ रहे हैं। सुनने दे, अच्छी तरह सुनने दे उसे। क्या अब तक तूने कुछ अच्छा काम किया है क्या? हाँ, चार लोग तारीफ करें ऐसा कुछ करके दिखा, उसके बाद प्यार व्यार कुछ भी कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। देख सूर्या, माँ बाप पालते तो अच्छा होता, दीदी ने बिगाड़ दिया, ऐसा ना बोले लोग। अब तो सुधर जा, हमारी जिंदगी उस परवाने की तरह नहीं जो जन्म लेते ही मर जाए, हमारे जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। मेरी क्या इच्छा है पता है? छोटों से लेके बड़ों तक सबकी जुबान पर तेरा ही नाम होना चाहिए। मेरा भाई करेगा, मुझे विश्वास है। बात कर ले भैया।
विदेशों से हमारे देश ने लिया कर्ज 4,40,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़ है, अर्थात एक व्यक्ति के हिस्से 4,000 का ऋण आता है। अतः मेरे तरफ से मेरा हिसाब 4,000 का डीडी मैं भेज रहा हूं। इसे प्रधानमंत्री के विदेश ऋण निवारण निधि कोष में सबसे पहले योगदान के रूप में अर्पित करता हूं। जय हिंद। बाय सीजे सूर्या। मिस्टर सूर्या, आपके मन में हमारे देश का ऋण चुकाने का ख्याल कैसे आया? गलत सवाल किया आपने। हम सब मातृभूमि को जय करते हैं तो माँ का कर्ज बेटा चुकाएगा। हमको भूखे प्यासे रहकर भी दूसरों से लिया कर्ज चुकाना चाहिए। देश और जनता कभी अलग नहीं हो सकती। अपने से बना हमें करना चाहिए, पूरी तरह ना सही फिर भी मैं स्वाभिमानी हूँ। मेरे हिस्से का ऋण मैंने चुका दिया है। मान मर्यादा वाले हिंदुस्तानियों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। रानी, वो इतना सा बच्चा क्या बड़ी बात कह गया। मैं उधार लेकर शराब पीता हूँ लेकिन मेरा देश ऋणी नहीं रहना चाहिए। चल 2,000 निकाल। ए पियक्कड़, किसी ने कुछ बोल दिया तो तू पकने लग गया। अपना पेट काटकर पैसे बचा कर रखे, वो भी दे दो। ये देश ही छत के बिना टकमगा रहा है, तू क्या बकवास कर रही है। चल निकाल पैसे, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं भेज के रहूंगा। मैं भी देशभक्त हूँ। उस रिक्शे वाले का धैर्य देखा कि नहीं? हम जनता को सामान उधार में देते हैं, ये जानते हुए भी कि कोई लौटाएगा नहीं। अपने देश का ऋण को तो हमें ही चुकाना है। चल जा, अपने तीनों का जो हिस्सा बनता है ना उसे भर के आ। इतिहास में इतनी राशि पहली बार जमा हुई है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। सूर्य एक मार्गदर्शक बन गया है, वो देश के युवकों का एक उदाहरण बन गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी यही कहना है। केवल सूर्य के बदौलत हमारे देश का कर्ज का बोझ आधा हो गया है। न केवल सूर्य बल्कि उसके कारण लोगों को जो होश आया है उसकी स्तुति करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सूर्य की सराहना की और उसे अपना अभिनंदन भेजा। और अब खेल समाचार। सचिन तेंदुलकर ने, मेरी क्या इच्छा है पता है? छोटों से लेके बड़ों तक सबकी जुबान पर तेरा ही नाम होना चाहिए, मुझे विश्वास है। सूर्या BA BL। ये कोई तमाशा है? ऑटो हॉस्पिटल ले चलो। सॉरी सर, उसके दिमाग की नसें फट गई थी, हम उसे नहीं बचा पाए। क्यों सूर्या, मुंह लटका के क्यों बैठे हो? दीदी ने कुछ कहा क्या? दीदी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात हो गई? कुछ नहीं, आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ। लॉरी से टकराकर एक व्यक्ति तड़प रहा था। वहां खड़ी जनता से किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और मैं उसे अस्पताल ले गया लेकिन वो मर गया। डॉक्टर ने कहा अगर वक्त रहते हम ले आते तो शायद वो बच जाता। क्यों जीजू, ये पब्लिक ऐसी क्यों है? क्यों किसी को कोई हमदर्दी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, दया माया सब में है। पुलिस की पूछताछ, वकीलों के सवाल जवाब, जज की तारीख आदि से लोगों को गहरा धक्का पहुंचता है। शहर से बाहर जाकर लोगों से पूछताछ की जाती है। मामूली केस को 3 महीने की तारीख दे दी जाती है, इसीलिए लोग कुछ करने से पहले कतराते हैं। मरने वाला तो आराम से मर जाता है, बचाने वाले पछताते हैं। सो रिलैक्स सूर्या। सूर्या, अब देखना तुम्हारी दीदी को कैसे जलाता हूं।
सूर्या, तुम्हें मालूम है कि आज से 3-4 दिन पहले मेरे सपने में ऐश्वर्या राय आई थी। अरे छोड़ो जीजू, झूठ मत बोलो। दो दिनों से ही तो आ रही है। अरे ये जीजू के सपने में ऐश्वर्या है, आपको कैसे पता चला? ऋतिक रोशन ने मेरे सपने में आकर मुझे बताया। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। ये कॉम्बिनेशन बरकरार रखना। सूर्या, आपके सपने में कौन आया था? राम्या, मामा के सपने में इंसान नहीं, कलर कलर के बलून आते हैं। ठीक कहा ना? ठीक है, पर्दाफाश मत करो। पुष्पवन एस्टेट में हड़ताल के दौरान मजदूरों की कटौती कर देने से 2 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। अगर इसी तरह सबको बेरोजगार कर दिया तो हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे हम क्यों आत्महत्या करें? हमारे जैसे मजदूरों की समस्या हल करने के लिए मुंबई में शक्ति नाम का वकील रहता है, उससे जाके मिलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से बैठ के बात कीजिए। हम सब पुष्पवन एस्टेट में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। 3 महीने काम करने पर 3 दिन तो छुट्टी मिलती ही थी, लेकिन अब हम सबको हमेशा के लिए काम से हाथ धोना पड़ रहा है। कारण पूछने पर हमें अपमानित करके भेज देते हैं, हम क्या करें? बाल बच्चों की परवरिश न कर पाने के कारण हम भूखे प्यासे लाचार भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है जीजू? नियमित रूप से काम पर रखने से इन्हें ESI, प्रोविडेंट फंड आदि सब देना पड़ता है। ये सब अवार्ड करने के लिए ही कई बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसा काम करते हैं। लेकिन साहब, हम कायदे कानून नहीं जानते। तुम्हारे जैसे टेम्पररी काम करने वाले मजदूरों का यही अधिकार है कि तुम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। ये 500 लोग नहीं है, 500 परिवार है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। नहीं सूर्या, हम केस करके भी सफल नहीं हो सकते, लेबर कोर्ट में भी सीधा नहीं जा सकते हम, वो लोग करोड़ों के मालिक हैं। They know very well how to play with the rules and bend it. बुरा मत मानना, अब आप लोग जा सकते हैं। जरा रुकिए तो, आप सब इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने कहीं किसी पत्र पे कोई हस्ताक्षर किया है? हाँ जी साहब, वहां गेट पर एक नोटबुक होती थी, उसी पर अंगूठे लगाते थे। उसी तरह तनख्वाह लेते समय भी आप लोगों ने कहीं हस्ताक्षर किया था? हाँ साहब, किया साहब। अगर किसी भी तरह आप मुझे वो हस्ताक्षर किया हुआ नोटबुक लाकर दें तो मैं तुम्हें काम ही नहीं बल्कि 15 सालों का आपका प्रोविडेंट फंड ESI और पैसे दिला सकता हूँ। समझ गए तुम? फिक्र मत कीजिए, हर हाल में लेके आएंगे। वो नोटबुक लेकर आओ, हम ये केस लड़ेंगे। ये जज्बा कायम रखो, हम जरूर जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जीजू, एंट्री बुक और वेतन वाउचर इतने सालों के उनके काम करने का ठोस सबूत हो सकता ना? उस आधार पर मास्टर रोल सेक्शन 35 HID ऑफ 1947 लगता है, पर केस फाइल कर सकते हैं ना? वेरी गुड सूर्या, यू आर रियली ग्रेट। पिक्चर में भी विलन आना नहीं चाहिए सर? नहीं, सभी एविडेंस को लेकर चंपत हो गए हैं, केस फाइल करने वाले हैं, हमें करोड़ों का हर्जाना भरना पड़ सकता है, एस्टेट को बेचकर भी। शक्ति शहर का सबसे बड़ा लेबर लॉयर है, उनके बारे में आप नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूँ। वो एक छोटे पॉइंट के मिलने पर भी उस केस को फाड़ के रख देते हैं। उनके पास अब तक तो एविडेंस आ भी चुके होंगे सर। सॉरी बॉस, इट्स ओके। सूर्या क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। अरे नहीं, जीजू, जीजू। मिस्टर शक्ति, एक मिनट, एक नेगेटिव को आपने पॉजिटिव में बदल दिया।
जीजू कौन था ये? ये पुष्पन स्टेट के मालिक जी के, बड़ा पिपलिया किस्म का इंसान है। पैसे देता हूँ कह रहा था पर मैं मना कर दिया। धमकी दे रहा था लेकिन मैं डरा नहीं, फिर कंप्रोमाइज करके बोला कि मजदूरों को लेकर मैं सबको काम दिलाता हूँ। ऐसा उसने कंफर्म किया है, समझे क्या तुम? ओह गॉड, ये समस्या सेटल हो गई, अब सबकी नौकरी गारंटेड। अब तो खुश हो ना? लेकिन उसने हाथ पकड़ कर ये उसने अपने स्टाइल में कहा। आओ चलो चलते हैं। प्रवीण सर, उन मजदूर बकरों के झुंड का सरदार कौन है? मूर्ति। मूर्ति, और कितने दिन तुम ऐसे ही मजदूर बनकर रहोगे? मालिक बनो, जिंदगी में एक ही बार मौका हाथ लगता और उसे हासिल करना बहुत जरूरी है। मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर था, एक मौका मिला और मालिक बन गया। एक के पतन पर ही दूसरा पनप सकता है। तुम्हारा शक्ति कायदा जानता है, मैं भी कायदा जानता हूं, लेकिन बेचारे मजदूर नहीं जानते। अच्छा है, अगर मैं तुम्हें छुरा भोंक कर मार डालूं तो उसे क्या कहेंगे? कातला सर। और अगर 100 लोग मिलकर मारे तो? उग्रवाद। हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। आपकी लालच में आकर उस वकील ने हमारे मुश्किल से जमा किए कागजात और सबूतों को मालिक के हवाले कर दिया। हम बर्बाद हो गए, उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया। हम कानून नहीं जानते इसलिए उसने हमें बेवकूफ बना दिया। तुम्हारे मालिक को तुम लोगों के बारे में सब बता दिया है, सबको पैसे देने को कहा है। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या बोलो स्वामी, क्या बात है? क्यों मूर्ति, तुम भी चुप हो, क्या हुआ भाई? हम सबको कितने लाख में बेचा है? क्या आप बेवकूफों की बातें कर रहे हो? हमसे कुछ और कहते हो और मालिकों से कुछ और कहते हो, तो के बाद? अरे तुम किस तरह की बातें करो? हमें किस तरह बनना चाहिए कहने आए हो या कुछ और कहने आए हो? क्या बात, क्या लेकर आए हो? बोलो, मारना चाहते हो हमें? मारो इसे, मारो, मूर्ति आज से तुम मालिक बन गया। मेरा पार्टनर बन गया। मजदूर मजदूर होता है, मालिक मालिक होता है। सूर्या, आप ही मिस्टर सूर्या? जीजू, इस सब के लिए जिम्मेदार वो मजदूर है ना? मैं अभी सूर्या,
बेचारे मजदूर, वो तो सही और गलत के बारे में कुछ नहीं जानते। वो बेचारे अपना अधिकार तक नहीं जानते। उनका अधिकार दिलाना होगा। कानून नहीं जानने से उनके जीवन को कितना खतरा है, ये तुम उन्हें समझाओ। इससे और कोई मौत नहीं होनी चाहिए। उन्हें उनके जीवन का मतलब समझाओ। जीके ने मुझे मार दिया, मगर तुम जीके को चाकू से नहीं, कानून से मारो। चाकू से बुद्धि ज्यादा तेज होती है। मुझे मार दिया, मगर तुम जीके को चाकू से नहीं, कानून से मारो। चाकू से बुद्धि ज्यादा तेज होती है। आज कोर्ट में मजदूरों के केस की हियरिंग होने वाली है। मजदूरों को लेकर कोर्ट में आ जाना। ठीक है सर। अरे कामयाब हो। सूर्या के बारे में अपने सीनियर से बात की? अरे करूंगा भाई। ठीक है। तुम सब इसी एरिया में रहते हो ना? तू फोटो क्यों ले रहा है? कोई खास बात है? हाँ। और ये गटर का पानी कितने दिनों से बह रहा है? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं ऐसे ही देख रही हूँ। और इसके बारे में काउंसलर को कंप्लेन किया था? हाँ, काउंसलर के पास कंप्लेन किया था, लेकिन उसे अपने काम से फुर्सत कहाँ है। उसे मंदिर में अभिषेक कराने और घर बनवाने से फुर्सत ही नहीं है। अगर हम लोग उसको बुलाते हैं तो बोलता है ऑफिस में आओ, इधर बहुत बदबू है, हम लोग को ऑफिस में आकर मिलो। 5 साल में एक बार एमएलए आता है, यहाँ की बदबू से सहन नहीं होती, इसलिए हमें बाहर बुलाकर बड़े शौक के साथ हम लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाता है। अगले हफ्ते बड़े बड़े पोस्टर में उसकी तस्वीर छपती है। कॉर्पोरेशन वाले को जाकर बोला था? हाँ, 3 बार गए, उन्हें क्या, रोड खराब हो जाए, गटर खुले रह जाए, वो लोग मिट्टी खोद कर उस गटर के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। बस यही रहकर हम लोगों को मरना है, यही हमारा नसीब है बेटा।
इनसे निपटने की कोशिश में आप ही कुछ कर सकते हो। इस बहन का पाँव देखो कैसा हो गया है, हाथी के पाँव की तरह। अरे भैया, पीने के पानी में नाले का पानी मिक्स होकर आता है, उसे पीकर बच्चों को जुलाब और उल्टी होती है और हमें उन्हें लेकर खैराती दवाखाने में भागना पड़ता है। कॉर्पोरेशन का पैसा भरते हो? हाँ भाई भरते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर हर महीने भरते हैं। आप सब इसमें हस्ताक्षर कीजिए। हाँ ठीक है। काउंसलर मनोहरन एडविन सामी दुराई एमएलए नाची अपान। नेताजी आपने शर्ट क्यों उतार दी? हटो यहाँ से। इसे लेकर क्या पूछ रहे हो? मैंने कितनी सभाओं में कितने शर्ट फाड़े हैं, मेरी शर्ट कोई ना फाड़े इसलिए मैंने शर्ट नहीं पहनी। सलमान नहीं पहनता तो कोई कुछ कहता है? चिन्नम्मापेटे चुनाव क्षेत्र के शर्वना गली के पास जो बस्ती है वहां इतनी झोपड़ियां हैं जहां इतने सारे लोग रहते हैं और 6 महीने से गटर का पानी बह रहा है। इस क्षेत्र का काउंसलर होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं था कि आप कुछ करें इस बारे में? हाँ जी। आपने उनसे कहा कि मंदिर के कामकाज से आपको फुर्सत नहीं मिलती और हुंडी जमा करने में सारा समय निकल जाता है। आपके वार्ड के लोगों को आपने नजरअंदाज किया है। चिन्नम्मापेटे के एमएलए नाचियप्पन आप ही है ना? किसे देख के पूछ रहा है? सारा ब्रह्मांड जानता है कि मैं ही नाचियप्पन एमएलए हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, तो कोई भी हो, कितनी ही छोटी बड़ी समस्याओं को मैंने जोर से आवाज देकर उसका हल ढूंढ निकाला है। मेरे रहते कोई भी। सर ये कोई सभा नहीं, जरा धीरे बोले। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा बेटा तू आगे पूछ। शर्वना गली आपके क्षेत्र में है ना? वो क्या है, शर्वना का सांभर चावल बहुत टेस्टी होता है ना? वो मंदिर के पास वाली जगह सर? वो मंदिर के पास वाली जगह जो एक छोटी सी गली है वो ना, उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस एरिया का तो मैंने बहुत अच्छे से नाप तोल के रखा है। करेक्ट है। बहुत ही अच्छा तोल रखा है। अच्छा, गली का मतलब क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है पता है? इसे देखो क्या क्या पूछता रहता है। तुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम। हमारा काम ये है कि हम वोट इकट्ठा करते हैं, सभा में पहुंचते हैं, शर्ट फाड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, बेडशीट लेते हैं, पिलो लेते हैं और उसके बाद चल देते हैं। एमएलए का मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधि, जो लोगों के दुखों को समझे, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसे अगर आपने समझा होता तो यहाँ आने की नौबत नहीं। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ये देखो कितनी अच्छी बातें बताता है। ये काले कोट वाले साहब ने मेरी आंखें खोल दी। आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं वादा करता हूँ आपको शर्माला से सजा दूंगा। रोज शाम को बोतल, सोडा, आइस और क्या चाहिए बोलो ना। आप है ना महानगर पालिका के अध्यक्ष एडविन सामी दुराई? यस सर। आप ये पानी पीने का कष्ट करेंगे? नहीं सर, यहाँ की जनता इसे ही पीती है, क्या आपको मालूम है? नहीं सर, मुझे पता नहीं है। कितनी बेशर्मी से जवाब दे रहे, देखो। लैंड टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, वाटर टैक्स करके पीने के पानी पर पैसा लेते हो। स्वच्छ पानी देना चाहिए कि नहीं, रसी तो बराबर दे देते हो। ड्रेनेज टैक्स किस लिए भरा जाता है? ताकि पानी जमीन के नीचे से बहे, पर बहता ऊपर से, रास्ते पर से। डेवलपमेंट टैक्स भरते हैं, क्या रोड बराबर है? स्ट्रीट लाइट ठीक से जलते हैं? नहीं, फिर भी जनता पैसे भरते नहीं थकती। अब बताइए गलती किसकी है? आप 3 महीनों में एक बार कर के नाम पर जनता से जो पैसा वसूल करते हैं उसी से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। आपके नीचे के निरीक्षक ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा होता सर, तो कमिश्नर हम पर नजर रख रहा है करके निरीक्षक डर के साथ काम करता, सुपरवाइजर देख रहा है करके उसके नीचे वालों में भी डर पैदा होता और काम भी अच्छी तरह से चलता। आप जैसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से ही जनता इस पानी को पीने के लिए मजबूर है, इसके लिए वो कर भी भरती है। यहां की जनता को रोज इस गंदे नाली के पानी पर चलना पड़ता है, अशुद्ध वातावरण में सांस लेना पड़ता है, जिससे इन्हें हाथी पांव, विषैले बुखार आदि भुगतना पड़ता है। इसलिए महानगर पालिका को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आर्टिकल 226 के मुताबिक यहाँ की जनता पर मानसिक तनाव तथा उनके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं हर एक के लिए 25,000 मुआवजा की मांग करता हूँ। ये अदालत बिना कोई पक्षपात किए अभी इसी वक्त उस जगह की साफ सफाई कराने का हुक्म सुनाती है
और वहाँ की जनता के लिए शौचालय का प्रबंध करने को कहती है। असुविधा भुगतने वाले हर एक नागरिक को हर जाने के तौर पर 25,000 रुपए महानगर पालिका को भरने का हुक्म सुनाती है। क्या मामू, यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं मामू, उस दिन काला कोट पहनकर एक सूर्या नाम का आदमी सफेद पेपर पे कुछ हस्ताक्षर करवा रहा था। उसने कोर्ट में केस डाल दिया, वो केस जीत गया, उसी का पैसा मिल रहा है। वहाँ क्या कमाल का आदमी है सूर्या। हाय, कहीं बाहर चले क्या? बहुत काम है। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? पसंद हो। प्यार की बोल पढ़ाने वाला मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। बलून के जरिए फीलिंग्स जगाने वाला अब मुझसे बात तक नहीं। ओफो, लाइट भी चली गई। एक मिनट। ओफो, कैंडल कहाँ है? मैं देखता हूँ। उठो, 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 नहीं तो दीदी को बता दूँगा। अच्छा, दीदी को बुलाओगे? बता दो ना। हाँ, बताओ। दीदी बुलाओ। बुलाओ ना। दीदी। पगली है थोड़ी सी बदली है, ले जाती मुझे ये कहाँ। थोड़ा सा पगला है, थोड़ा सा चलिया है, थोड़ा सा है बेईमान। थोड़ी सी पगली है थोड़ी सी बदली है, ले जाती मुझे ये कहाँ। पप्पी छप्पी नाल मुझे यू न बहका। कैसा है ये बंदा, कोई इसे समझा दे जरा। थोड़ा सा पगला है, थोड़ा सा छलिया है, थोड़ा सा है बेईमान। थोड़ी सी पगली है थोड़ी सी बदली है, ले जाती मुझे ये कहाँ। आंखों में बस कर, बाहों में कस कर, करती है मुझसे ये आंख में चोली। जाने जिगर नजर की मस्ती में तो ही तो हो, जिगर की बस्ती में। जाने जिगर नजर की मस्ती में। सुन लेना से दिल की ये धड़कन। भरी
कोई है ये राहे, फिर भी तुझे हम चाहे। दिल ये तड़पता है, हर पल बहकता है, समझाने से दिल ये समझे ना। जो तेरी है मेरी भी वो हालत है, जो तेरी है मेरी भी वो चाहत है, जो तेरी है मेरी भी वो हालत है। मेरा प्यार तो है मेरा दिल रुका, थोड़ा सा पगला है, थोड़ा सा छलिया है, थोड़ा सा है बेईमान। ओ पप्पी छप्पी ले ली सजना यू ना तड़पा, अरे पप्पी छप्पी ना लो मुझे यू ना बहका। सुबह बड़ा पाव खाया था, मेरा पेट खराब है। देख कितनी जोर से आवाज आ रही है। अरे मूर्ख, पेट खराब नहीं हुआ, टायर पंचर हुआ। पंचर हो गया, अब क्या करूं? मुझे बस में जाना पड़ेगा। मैं भी वही करने वाला। मैं क्या करूंगा? तू पंचर ठीक करके ला ना। जिगरी दोस्त को पंचर लगाने के लिए कह रहा है, अभी पंचर तो फिर दंचर। किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। ओ मुझे चुपचाप बस में जाना चाहिए था। लिफ्ट मिलेगा क्या? टायर पंचर हो गया है, ट्राई तो करके देख। मैं लॉरी को बाइक पर नहीं बैठा सकता। मैं लॉरी लड़की को चढ़ता है? अरे तो तू तो मेरे पीछे पड़ी थी। अरे बताओ, ए जल्दी करो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, चलो जल्दी 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 ऊपर आ जाओ। ए सुन, बीच में क्यों खड़ा है? चल चल आगे बढ़, आगे बढ़। हाँ कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? एक मायनापुर दीजिए। जिसे भी टिकट लेना है जल्दी लो, नहीं तो पकड़े जाओगे तो नहीं कहना। मैंने आपको 3 रुपए दिए, 2.75 का टिकट, बाकी 25 पैसे। हिसाब देखते हो तो घर से आते वक्त ही पूरा छुट्टा लेकर आना था। हम क्या अपने थैले में चिल्ला लेके घूमते हैं? अगले स्टॉप में ले लेना। जिसे भी देखो वही बकता रहता है। और जिसे टिकट लेना ले लो भैया, मैं वहां नहीं आऊंगा। पैसा पास करते जाओ। मेरे भी 25 पैसे बाकी है, पर कौन मांगेगा? तेरे को क्या बोला था वहां पर नहीं खड़ा रहने का? तेरे पांव में गम लगा है क्या जो तू वहां पे खड़ा है? चल जा आगे जा। ए ड्राइवर चल, ब्रेक लगा। लास्ट स्टॉप देना। ऊपर आ जा, गिर जाएगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ए आगे से कौन चढ़ा रहे? वहीं से कूद के मर जा, इस देश को तेरी जरूरत नहीं है। टिकट किसे लेना है? मेरा 25 पैसा दीजिए ना। एक बार बोला तो समझता नहीं है? चिल्लर के मेरे पैकेट में भरा पड़ा हुआ है, उतरते से मैं दूंगा। ना जाने कहां से आ जाते हैं भिखमंगे। ए किसे टिकट लेना है जल्दी ले लो। साईं बाबा चौक देना। सुन तू तो हमेशा 8:30 बजे जाती है ना? घर पे कुछ काम था। तेरी दीदी कहां गई? उसकी शादी तय हो गई है। ए उतरो उतरो, अरे जल्दी उतरो, घूरता क्या, जल्दी उतरना। अगले स्टॉप पर उतरने वाले खड़े हो जाओ। अरे मेरा स्टॉप आने वाला है, मेरा 25 पैसा दीजिए ना। तू 2.75 रुपए लाकर दे और अपने 3 रुपए वापस लेकर जा। बड़ा आया 1,00,000 रुपए जैसी बातें कर रहा है। आपने कहा था उतरते वक्त दे देंगे, वो रिजर्व बैंक में सही सलामत है। अगर एक टिकट पर 25 पैसे ले लोगे तो बहुत बड़ी लूट हो जाएगी भाई। हाँ हाँ, 25-25 पैसे लेकर मैं मुंबई में एक बंगला बनाऊंगा और दिल्ली में भी। तू गृह प्रवेश में आना और खाना खाकर जाना। अरे ये जान खाता है मेरा स्टॉप आ गया। एक तो तुम मेरा पैसा रख लेते हो, ऊपर से मुझे अपमानित करते हो। बोला नहीं आती क्या तुम्हें? चल जा, चल उतार उतार, चुपचाप उतर जा। क्या कह रहे हैं आप? अरे कहीं कर रहे हैं? बोला ने मेरे पास 25 पैसे नहीं है। मेरा बैग खोलकर देखेगा क्या? उसे प्रूफ करना पड़ेगा क्या? टेंशन लेने वाले तू, टेंशन में लगता है। अबे तेरे टेंशन लेने की उम्र तक पहुँच जाऊंगा, समझा कि नहीं? चल जा। ऑटो टैक्सी में चढ़ते समय ऊपर से 5-10 रुपए जोड़ कर देते हैं और मेरे से 25 पैसे के लिए बहस कर रहा है। अरे अगर एक एक को 5 पैसे 10 पैसे छुट्टा देना पड़ा ना तो हमें ड्यूटी के पहले किसी दरगाह के बाहर भीख मांगना पड़ेगा। चल क्या चल, बोल रहे हैं आप? चल चल, तेरे बाकी के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अरे बोला ना चुप रह, जब तक पैसे नहीं देंगे मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप उतर जा, अगले स्टॉप में टीसी आएगा तो 500 रुपए और भरने पड़ेंगे। तो दादागिरी है। सुनिए आप नीचे आइए। नहीं मेरे पैसे लिए बिना मैं नहीं उतरूंगा नीचे। दादा मुझे नीचे आइए, मैं देता हूँ। अरे वो क्या बोल रहा है, समझ रहा है ना? चलो उतर। मेरे पैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन आप मेरे पैसे क्यों देंगे?
मैं इसी से लूंगा अपने पैसे। अरे ये कर्ण प्रभु दे देगा ना, चल जा ले ले इससे जा। इसकी मस्ती देखी, इसके बारे में निश्चित मैं कंप्लेंट करूंगा। दादाजी आप आइए, आप आइए आइए। क्या जमाना आ गया, हे भगवान। सवाल के क्या है भगवान, बुड्ढे ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसे वर्दी वाले चोरों की तो कंप्लेंट करनी चाहिए। सुनिए ए डिपो उस तरफ है, जाकर कंप्लेंट कर। बुढ़ापे में एक कोने में पड़े रहने के बजाय थैली उठाकर चले आते हैं। देखा देखा क्या, इस बर्ताव का अंजाम बुरा होगा। सीटी बजा दी साहब ने, चल रहे। अंजाम के लिए तैयार हो सर। 25/3/2004 के दिन सुबह 10:30 बजे श्री विश्वनाथ जी ने 3 रुपए दिए थे आपको। 2 रुपए 75 पैसे का टिकट देकर बाकी 25 पैसे नहीं लौटाए। आपने अगले स्टॉप में देने का वादा भी किया और ये कहकर उन्हें नीचे उतार दिया। छुट्टा होता तो देता ना साहब। ड्यूटी में आते समय आपकी जिम्मेदारी है कि छुट्टे पैसे रखें। बस में सवारी के पास हमेशा छुट्टे पैसे नहीं होते। यही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस में आपने उस बुजुर्ग से बदतमीजी की, अनाप शनाप कहकर उनका अपमान भी किया। क्या काम में लगने से पहले किसी ने भी आपको सिखाया नहीं कि एक सवारी से कैसे पेश आते हैं? सिखाया साहब। तो फिर आपने उस बुजुर्ग के साथ ऐसा बेहुदा बर्ताव क्यों किया बताइए? वो योर ऑनर, मैं डिपो अधिकारी राज रतन से भी कुछ पूछना चाहूंगा। डिपो अधिकारी राज रतन, डिपो अधिकारी राज रतन। आप ही है ना डिपो अधिकारी, आपके पास इसका कोई जवाब है? ऐसे फालतू बातों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। नहीं सर, आपको जवाब देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? निर्वाह। ये आदमी आपके नीचे काम करता है? हाँ। अगर आप जैसे लोग ठीक होते तो कंडक्टर को काबू में रखते और उनसे ऐसी गलती नहीं होती। आप लोगों की लापरवाही से ही ये कंडक्टर लोग गलत भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, स्टॉप पे बिना रोके चले जाते हैं, भीड़ ना होने पर भी उठकर नहीं आते हैं और गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाकर लोगों को डराते रहते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के लिए आप जैसे अफसर ही जिम्मेदार होते हैं। करेक्ट योर ऑनर। एक बूढ़े रिटायर्ड टीचर और वो भी एक अस्थमा पेशेंट को 25 पैसे ना लौटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया, सबके सामने भला बुरा कहकर अपमान किया, और इसके लिए आईपीसी सेक्शन 499 हार्मिंग द रेपुटेशन के मुताबिक जो शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ा, ₹10,000 और उनके बाकी के 25 पैसे जो बाकी थे, 10,025 पैसे इन्हें मिलने चाहिए। और इस तरह के लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं। इस केस में कंडक्टर और अधिकारी दोनों बराबर के गुनहगार साबित होने के कारण मैं परिवहन अध्यक्ष को दंड के रूप में ₹10,000 और 25 पैसे देने का हुक्म देता हूं, और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसलिए मैं लापरवाह अधिकारी राज रतन और प्रवासियों से बदतमीजी से बात करने के लिए कंडक्टर गणेशन को 6 महीने सस्पेंड करने का हुक्म देता हूं। आपको कितने पैसे देने? 8 आने बाकी थे, कोई बात। अरे नहीं चाहिए मेरी माँ तेरे पैसे, अभी तो मना कर रही है, फिर बाद में कोर्ट ले जाएगी, ₹10,000 भरने पड़ेंगे, सस्पेंड होना है क्या मुझे? इसे चले तेरे पैसे। अरे इनको क्या हो गया, ये कैसे सुधर गए? लॉयर सूर्या के रहते हैं, कैसे नहीं सुधरेंगे। मिस्टर शर्मा, बिजनेस कैसे चल रहा? आपके कोऑपरेशन से हमारा डुप्लीकेट बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है मिस्टर जी के। गुड। आपका शेयर सिर्फ 3 करोड़ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जी के। बोलिए। पुष्पवन केस की हियरिंग होने वाली है, कोर्ट में हाजिर होना है। इसके ऑपोजिट में कौन खड़ा होने वाला? शक्ति का साला सूर्या। सूर्या सिर को दबोचा तो पूंछ का तड़पना स्वाभाविक है, देख लीजिए। बात करते हैं। मैं आदर्शी बोल रहा हूँ बाबा, मैं अच्छा हूँ, आज डिस्चार्ज हुआ हूँ। डॉक्टर ने कहा है ध्यान से हाथ रखो, 6 महीने में हड्डी जुड़ जाएगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं ऑटो पकड़ के खुद आ जाऊंगा। अच्छा रखता हूँ, बाय बाय, सी यू। अरे यही तो रखा था, ये परेशान आत्मा कौन है? हेलो, हाँ सर, मैं एडवोकेट नंद कुमार बोल रहा हूँ। कुछ एजेंट ने कहा था ना मैं ही आपके घर आ जाता हूँ, थोड़ा एड्रेस दे दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। पेन पेपर कुछ भी नहीं? क्या पेपर वेपर नहीं मिलता? आपको एतराज ना हो तो मैं अपने हाथ में लिख दू, लिख दो, मेरे पास पेन है। ओके थैंक्स यार। सर कट होने से पहले जल्दी बोलिए। नंबर है 8 गणपति गली। ओके नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मुझे। हाँ मुंबई
78 बिल्कुल सही। मैं आ जाऊंगा सर। वो क्या है ना कि वो कैसे आना उसका डिटेल थोड़ा मिल जाए तो पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, वहां से जो सीधी डिपो तक जाती है वहां से के लेफ्ट लेना, लेफ्ट नहीं राइट। हाँ राइट, फिर लेफ्ट लेने लगा। हाँ ठीक है, लेफ्ट ले लिया, उसके बाद सीधा जाना है। सीधे जाने के बाद में कितना 5 स्टार ढाबा। हाँ लेफ्ट तोड़ दिया रे। नहीं नहीं लेफ्ट नहीं, नीचे जाना है, नीचे उतर गए उसके बाद में सीधे ऊपर चलेंगे। ठीक है हाँ, क्या वहां से यूटर्न लेना। हाँ यूटर्न लेना सर, बिल्कुल ओके सर सर ठीक है। उसके बाद वापस आते हुए और आपके नजदीक पहुंच जाऊंगा। क्या कहा? 8 नंबर है, पागल हो गया। हाँ पहुंच जाऊंगा सर, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। मेरी लगा के बाहर तू जा रहा है नंबर 8 हॉस्पिटल है। अभी वही तो आ रहा हूँ मैं। ओ इसलिए तो मैंने 8 नंबर का आटा टुकड़े कर दिए उसका क्या। ओ फिकर मत कर, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। मैं हड्डी ठीक करने वाले को जानता हूँ, उसके पास दोबारा इलाज करा दूंगा। ठीक हो जाएगा ना? हाँ वो अच्छे खासे डॉक्टर है। साहब एक कंप्लेंट लिखवानी थी। साहब एक कंप्लेंट। उधर जाओ। अरे बगैर उसके कैसे काम चलेगा, दे वो। ये लो ना साहब। हाँ नमस्कार। हाँ बोलो। मेरा नाम शिवराम है, 36 वरदराज स्ट्रीट में रहता हूँ। तो उसके लिए मेरा पड़ोसी मुत्तु स्वामी बहुत तंग करता है मुझे। अच्छा अच्छा, जाकर 2 सफेद पेपर और 10 कार्बन लेकर आ जा। हाँ अरे रुको रुको, क्यों भाई चाय पियोगे क्या? चलेगा। हाँ वैसे 4 चाय 2 कॉफी बिना शक्कर के, मेरे लिए गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट, उनके लिए विल्स, और बड़े साहब को तो भूल ही गया, उनके लिए 2 नारियल बड़े लेके आओ। अरे विनय पान खाओगे क्या? हाँ चलेगा। हाँ उनके लिए पान बराग बड़ा और 2 जर्दा बड़ा डब्बा। हाँ साहब जी मेरे लिए बीड़ी। हाँ हाँ और वैसे ही 2 छत्रपति का बंडल लेके आना। अरे खड़े मत रहो, जाकर लेकर आओ पहले। अरे मैंने कहा ना क्या, पहले जाकर लेकर आओ ये सब। अरे सुनो हाँ, वो साहब के ऑटो का बिल देना। कौन? वो इंस्पेक्टर जो ऑटो से है। इंस्पेक्टर? वो क्या तेरे घर का नौकर है? साहब बोल साहब जा। भैया कितने पैसे हुए? 70 रुपए हुआ। वो नारियल मिला क्या? जी लाया हूं। अरे गरम नहीं है, कोई बात नहीं एडजस्टमेंट करेंगे। ले पकड़ इसे। साहब वो कंप्लेंट। तेरा नाम क्या बोल? शिवराम साहब। शिवराम वर्धा राज स्ट्रीट। हाँ ऑटो आ जाएगा, जा ऑटो के लिए पैसे तैयार रखना। सुनिए जी, आते वक्त राशन का चावल और गेहूं लेकर आइएगा। सुनिए भाई साहब, आपको एक राय दूं, अब जाकर वकील सूर्या से मिलिए। राइटर गोविंदन, राइटर गोविंदन। 14 तारीख शुक्रवार के दिन कंप्लेन लिखवाने श्री शिवरावन आए थे क्या? हाँ। और आपने उनसे क्या पूछा? मैं बता रहा हूँ। 1 कोरा सफेद पेपर, 10 कार्बन शीट, 4 चाय 2 कॉफी, 1 पैकेट गोल्ड फिल्टर, 1 पैकेट विल्स फिल्टर, पान पराग बनारसी 4 जर्दा वाला, 420, 2 इंस्पेक्टर के लिए नारियल पानी, 2 कैदी के लिए चंद्रिका बीड़ी का पैकेट, और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर के लिए ऑटो के लिए 70-70 रुपए लिए आपने। क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने वालों के साथ ऐसे पेश आते हैं? कोई नियम है कि नहीं? नहीं साहब। फिर ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं कि आपने ये सब मंगवाया उनसे? वो मैं क्या पुलिस स्टेशन में आने वाले पुलिस वालों को साहब करके बुलाने का कोई नियम है? नहीं साहब। फिर नीचे पद वालों ने ऐसा कोई नियम बनाया है क्या? नहीं साहब। फिर इन बुजुर्ग से आपने क्यों कहा कि उस इंस्पेक्टर को साहब करके बुलाए? गलती है साहब। यहां साहब बोलने की जरूरत नहीं है,
लगता है तुम्हें सांप बोलने की आदत से पड़ गई है। ये तुम लोगों की मजबूरी है कि स्वामी भगवान जैसे नाम जोड़ते हो अपने सीनियर्स के साथ। ये आम आदमी से बुलवाना एकदम गलत है। ये सिर्फ इंस्पेक्टर की बात नहीं है, डिप्टी कमिश्नर भी शामिल है। तो योर ऑनर, डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल से मैं कुछ पूछना चाहूंगा। डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल, डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल। क्या आप ही हैं डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल? सिटी के C2 पुलिस स्टेशन आप ही के अंडर में है? जी हाँ। आपके लोग कंप्लेन लिखने के लिए सिगरेट बीड़ी इत्यादि इत्यादि चीजों का घूस लेते हैं, इस बात से वाकिफ हैं या फिर आप जान के भी अनजान बनते हैं? सॉरी सर, ये सब घूस नहीं है। घूस क्या होती है? बीड़ी सिगरेट नारियल पानी सब क्या फुकट में मिलता है? घूस क्या सिर्फ पैसा होता है या कोई चीज भी हो सकती? ये भी तो एक तरह की घूस ही है। पुलिस स्टेशन के अलावा गली नुक्कड़ के दुकानों से 5 रुपए और प्लेटफॉर्म से 10 रुपए लेने की आदत सी बना रखी है। जो गरीब है वो भीख मांग सकता है, ऐसे खाकी वर्दी पहनकर शर्म आनी चाहिए। योर ऑनर, ये बुजुर्ग अपने पड़ोसियों से तंग आकर पुलिस स्टेशन गए, वहां पुलिस स्टेशन में लोगों से तंग आकर कोर्ट में आए। उनका क्या हाल हुआ है पता है? कंप्लेन करके कुछ राशन ले आना, इसके लिए उनकी बीवी ने उनको कुछ पैसे दिए थे। इन्होंने सारे पैसे स्टेशन में खर्च कर दिए। बिना चावल लिए जब ये घर गए तो उनके परिवार का क्या हाल हुआ होगा? इसका फैसला इस कोर्ट को करना होगा। अपने पद का यूं गलत इस्तेमाल करने के लिए राइटर गोविंदन को IPC 166 के तहत घूस के रूप में चीजें लेने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत और इन सबको काबू में ना रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर को जनता की रक्षा ना कर पाने के जुर्म में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इन्हें सजा दी जाए। साहब, पैसे के बदले सेंट रख लीजिए ना। मेरी नौकरी खतरे में डालेगा क्या बिल्कुल? अरे फॉरेन का है सर, नजर का सवाल। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्ग के साथ बदसलूकी के जुर्म में इंस्पेक्टर देवराज, राइटर गोविंदन और डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल को हुक्म देता हूं कि वो अपनी 3 महीने की पगार को जुर्माने के तौर पर भरेंगे। इसके अलावा राइटर गोविंदन और इंस्पेक्टर देवराजन दोनों को काबू में न रखने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर मुथुवेल को 4 महीने के लिए ये अदालत सस्पेंड करने का हुक्म देती है। अब ये अदालत यहीं बर्खास्त होती है। आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, चाहे आपको ये शर्म की बात नहीं है? आप कानून की हिफाजत नहीं करते हैं क्या? नो कमेंट। आपने कई लोगों को टोपी पहनाई है, सूर्या ने आपको भी टोपी पहना दी। सॉरी सर, गलती से टकरा गया। गलती से टकरा गया। इस गलती का नतीजा तुझे 4 महीने बाद पता चलेगा सूर्या। या तो घर या फिर कोर्ट, ऐसे ही हो तो कैसे चलेगा? प्यार नाम की कोई चीज है आपको मालूम है? अब मुझे क्या करना होगा? रिलैक्स यार, अब तुम्हें अच्छा मूड बना लो। देखो वहाँ लोग क्या क्या कर रहे हैं, और एक तुम हो, उनकी तरह सिर्फ एक। अच्छा, सचमुच देने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो कि तुम कहाँ देना चाहते हो। चलो बताओ, यहाँ 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 कोई एक जगह तो बताओ ना। क्यों हंस रहे हो? अब तक जो जगह नहीं बताई बस उस जगह पर। यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया, यहाँ भी बता दिया, शी। इतने सारे जगह बता दिए, अपनी हथेली का जिक्र नहीं किया। छोड़े तार दिल के दिल से जोड़े, ये बेटे
कस गए थे कि तड़प मुझे पागल करती है। सूर्या कैसा है? सोचा था कोर्ट में मिलेंगे, रोड पे मुलाकात होगी। तेरे जीजा का क्रियाक्रम कब है? तेरे मरने के बाद। हाँ
आधा लीटर दूध खरीद कर मापा तो 400 मिलीलीटर ही निकला। उबालने पर दूध फट गया और बच्चों को पिलाने से वो बीमार हो गए। मत खरीदो, बिना दूध के काम चला। हाँ, ये बहन ठीक कह रही है, एकदम ठीक। दूध घर में जाकर देखा तो कम निकला और उबालने पर खराब भी हो गया। तो तुम भी मत खरीदो, बहुत बकवास कर लिया। तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कोई दावत नहीं थी। क्यों भाई साहब, दूध तुमसे लिया है तो उसकी शिकायत भी तुमसे करेगी ना। वाह क्या एकता है, औरत एकता जिंदाबाद। चुप रहो, अपनी ऊंची आवाज से हमको डराता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर, ये सारा दूध मेरे बाप के तबेले से बनकर नहीं आता। इसके नीचे लिखा है जी के, उसी से जाके पूछ, समझ गई ना? पूछूंगी, जिसे पूछना हो पूछूंगी। ये अदालत सरकार के बताए नियमों के अनुसार दूध की मात्रा के परिणाम एवं योग्यता नियंत्रण का पालन न करने के कारण जीके के दूध के फैक्ट्रियों पर हमेशा के लिए ताला लगाने का हुक्म देती है। जीके की तमाम दूध की फैक्ट्रियों पर सील लगवा दी गई है। शहर की दूसरी खबरों के अनुसार जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों की भावनाओं को देखते हुए सूर्या ने इस केस को दर्ज कराया और जीके की वाइन फैक्ट्री और उसके दारू के अड्डों को सील कराने की मांग की है। सरकार ने सूर्या द्वारा दायर जन याचिका पर तेजी से अमल करते हुए जीके की वाइन शॉप तथा अड्डों पर छापे मारे और उन्हें सील कर दिया। मिल्क फैक्ट्री, 56 वाइन शॉप्स, उस कमीने ने बंद करवा दिए, वो भी कानून के बल पर। उसने सब कुछ सील करवा दिया। मेरे हाथ की इन रेखाओं को छूने वाले अब तेरे हाथ में आयु रेखा नहीं होगी। पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद मेरे हाथ पैर तोड़ना है या गोली से उड़ाना है इसका निर्णय कर लेना।
अरे क्या बात है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा मूर्ख हो, मारपीट करते रहते हो, मैं पढ़ देता हूं। तो सुनो, ये पत्र पुलिस वाले को लिखा गया है। विषय, जान खतरे में होने के कारण रक्षा के लिए विनती पत्र है ये। श्रीमान नमस्कार, मेरे द्वारा समय पर उठाए गए कदम से जीके के दूध की फैक्ट्री तथा 56 शराब के अड्डों पर छापा पड़ा। इस छापे से जीके को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से अगर वो मुझसे बदला लेने के उद्देश्य से अपने गुंडों को भेजकर मुझे किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या चोट पहुंचाए, मुझे मार डाले, मेरे शरीर में से खून बह जाए या कहीं पे भी खरोच आ जाए, क्या खरोच खरोच, तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आपका बॉस जीके। आज से मेरी सलामती जीके साहब के हाथ में है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए जीके साहब ही जिम्मेदार होंगे। इस बात पर जरा गौर फरमाया जाए, यही आपसे विनती है। धन्यवाद। मिस्टर सूर्या, अब तक आपने दोषी अफसरों पर कार्यवाही की है, लेकिन अब आप शहर के उद्योगपतियों को अपनी तीर का निशाना बना रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं किसी का विरोधी या दुश्मन नहीं हूँ, जनता का हितकारी बनकर रहना चाहता हूँ। आपके भविष्य का लक्ष्य क्या है? सर, अज्ञान जनता इस बात से बेखबर कि कौन सा नेता किस पक्ष को लेकर मंच सजा रहा है, क्या भाषण दे रहा है और क्यों दे रहा है। पूरी रात जागकर वहां बैठकर जोर जोर से तालियां बजाते, सीटी भी बजाते, वाह वाह करते रहते, ठीक है ना? इनमें से एक ने भी नेता से भाषण का कारण पूछा तो आज नहीं इतनी सभाएं होंगी, ना ही इतने मंच। इन सब का एक ही कारण, सिर्फ जनता की अज्ञानता। बुनियादी तौर पर कानून का ज्ञान जरूरी है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जनता को जागृत करूं, यही मेरे भविष्य का उद्देश्य है, यही सपना है। सर, क्या आपका सपना पूरा होगा? हिंदुस्तानी कामयाब होते। भारतवासी, कोई बंगला कोई मद्रासी, ओ मिलकर कदम बढ़ाए जीत सारी दुनिया। हम है भारतवासी, कोई बंगला कोई मद्रासी, ओ मिलकर कदम बढ़ाए जीत सारी दुनिया। सारा जमाना मिलकर तेरा रास्ता रोक न पाएगा, पर्वत शीश झुकाएगा। जान तेरे पर हम संग संग तेरे साथ चलेंगे। हमारी आन है, हमारी हार है, तेरे कुर्बान है, कुर्बान है मान है, तुम्ही तो सम्मान है, तुम पे जा कुर्बान है, कुर्बान है। हमारी जीत है, हमारा मीत है, हमारा गीत है, हमारी रीत है, हमारे साथ है, फिर अपने दिन रात है, हाथों में जो हाथ है, कश्मीर की बात है। क्यों जी, क्या आपने ये खबर सुनी? या? आपने कहा था कि एक साल से आपको पेंशन नहीं मिली। हाँ तो? सरकार के निर्वाह नियम के सेक्शन 19 के आधार पर अगर आप केस फाइल करोगे तो आपको जल्द से जल्द पेंशन मिल जाएगी। तुम ये सब कैसे जानती हो? सूर्या की दी हुई इस किताब में सब लिखा हुआ है। छोटी उम्र में ही उस लड़के ने बड़ा कमाल कर दिखाया। अबे रुक 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 रुक, नीचे उतर, वन वे में आया है मालूम है? चल पॉकेट में कितना है? क्यों बे, फोन दिखा रहा है? मैं गलत हूँ, 3 किलोमीटर घूम के हाईवे में घुस गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।
मैं मानता हूँ इसके लिए 177 के आधार पर चाहिए तो केस डालो, 150 का जुर्माना भरना होगा, मैं कोर्ट पे जाके भर दूंगा। कोर्ट में दंड भर देगा, मुझे कानून सिखाया। लेकिन ड्यूटी के टाइम पर तुमने शूज नहीं पहने, तुमने चप्पल पहनी है, ये कानूनी अपराध है। सिर पर टोपी नहीं पहनी, ये भी एक अपराध है। तुमने कमर पर जो बेल्ट पहना है उस पर अशोक चक्र जो है वो उल्टा है, ये भी कानूनी अपराध है। उससे भी बड़ा अपराध है तुम्हारा पेट। पुलिस प्रोसीजर के अनुसार एक काबिल हवलदार को ट्रिम फिट होना चाहिए, ऐसी तो नहीं निकलनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो तेरे वरिष्ठ अधिकारी से कहकर तेरे खिलाफ गवाही देकर तुझे फाइन भरवा सकता हूँ, और मेरी गाड़ी साइड पे खड़ी कर मुझसे जो घूस मांग रहा है उसके इल्जाम में तुझे मैं 1988 के अंतर्गत सबसे बड़ा कानूनी अपराध है, इसके लिए तुझे 6 महीने से लेकर 6 साल तक सस्पेंड करवा सकता हूँ। क्यों होश उड़ गए? सूर्या ने हमें सब कुछ सिखा दिया है, हमारी देखभाल करना ही तेरी ड्यूटी है, ना कि साइड में ले जाके घूस लेना, समझा? अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। तेरी दाल नहीं गलने वाली, चार्जशीट डाल, मैं फाइन भरने को तैयार हूँ। तेरा चार्ज मेमो तेरे ससुराल से आएगा, चलता हूँ। आपकी मंजिल आ गई भैया। कितने पैसे हुए भाई साहब? 150 दे दो। क्या बकवास कर रहे हो, मलाड से ग्रीन पार्क आने का 150 रुपए होता है क्या? 150? अच्छा तेरा नाम क्या है जरा बताना तो। किधर है बुक मेरी, किधर है? अरे मेरे बाप, मेरे को माफ कर दे, आरटीओ के सेक्शन के तहत मैंने तेरे से जो मांगा वो ज्यादा था, माफ कर दे बाप मेरे। अब आया लाइन पे, ए रुक रुक, रख ले, शुक्रिया। अच्छा हुआ बच गए। सूर्या ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों भाई, 10 लीटर की जगह 9 लीटर क्यों डाला? ये इराक में युद्ध चल रहा ना, इसलिए इतना ही डाल पाऊंगा। चलिए गाड़ी हटाइए और रास्ता साफ कीजिए, दूसरे को आने दो। ऐसा क्या? पेट्रोल का कायदा नंबर, मेरी माँ पेट्रोल पंप बंद करवाएगी, पूरा भर लेता हूँ। सूर्या की किताब देखते ही समझ गया ना, बजिया है ना? नहीं तो पेड़ा है क्या? नहीं हमने पूछा, गर्मा गर्म है क्या? कढ़ाई में हाथ डालकर देख, पता चल जाएगा। ए अबे भजिया को केला समझ के ना वो कढ़ाई में डाल देगा, समझाएगा? एक भजिया ले लो। हाँ तो लेना, असिस्टेंट बोल रहा हूँ क्या? अरे ये तो बड़ी इज्जत से पेश आ रहा है। चल चल भजिया खाते हैं, इसके लिए क्या आदर यार, इसमें तेल ज्यादा नहीं है। वो पेपर तो देना सर। उसका नाम मत लो, अरे मेरे बारे में शिकायत मत कर देना। मूंगफली का तेल कम हो गया था तो मैंने थोड़ा सा क्रूडा डाल दिया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी शिकायत मत करना। अरे यार इसने तो सब कुछ सच सच बता दिया। अरे भैया मैंने जिस पेपर की बात की तूने गलत समझ लिया, मुंबई में भजिया खाने का अलग तरीका है। 3 दिन पहले के समाचार पत्र को फाड़ कर उसके ऊपर भजिया को रखकर उसे थोड़ा दबा कर तेल को फिल्टर करके उसके कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल कर उसे खाने का अलग मजा है, समझे क्या? सही कह रही है, मैं गंदा तेल खिलाने जा रहा था। लेकिन सूर्या तूने एक सफेद पेपर के बलबूते पर सारे गाँव को सफेद बना दिया, तू सुपर है रे। सारे गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट जीके को आदेश देती है कि वो 25 करोड़ रुपए पुष्पवन के मजदूरों को मुनाफे के तौर पर दें और वहां के कर्मचारियों को पुनः नौकरी दे। जीके भैया अब मैं तुम पे और भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए आपके फार्म हाउस को और ट्रांसपोर्ट कंपनी को मैं ले लेता हूँ। अपने हिस्से में मैं 15 लॉन्चेस और 10 बोट्स रख लेता हूँ। आपने मुझे 15 करोड़ देना है, इसलिए मैं आपका घर और आयरन फैक्ट्री रख लेता हूँ जो 8 करोड़ का है। मिस्टर जीके, इसके अलावा आपको हर हाल में और 12 केसों का हर्जाना भरना है। आपके गेट पर खड़े होकर वॉचमैनी करना मुझे मंजूर नहीं है। चले जाओ, सब यहाँ से दफा हो जाओ। जानते हो मैं जन्म से ही करोड़पति नहीं था। 7 साल की उम्र में पेट पे ट्यूब बांधकर दारू बेचना शुरू किया, 10 साल में मैंने जेब काटना शुरू किया, 15 साल में मैंने मर्डर किया। भले ही मेरे छाती के ऊपर के बाल झड़ गए हो लेकिन मेरी छाती पौलाद जैसी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सूर्या, तूने जैसा कहा था वैसे ही तूने मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्रिमिनल पावर तू अब देखेगा। जल्दी करो दीदी, टाइम हो रहा है। हाँ आती हूँ। क्या हुआ बेटी, शूट टाइट है क्या? नहीं माँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हम कृष्णापुरी गांव के पास के बीरपुर से आए हैं, सोचा आपसे मिलकर चले जाएं। सूर्या हा? शायद कोई जरूरी काम होगा, कोई बात नहीं हम चलते हैं। ठीक है, बाय मामा। बाय। बताइए हमारी खेती के लिए
पास के गांव से साल में 6 बार पानी छोड़ा जाता था, इस बार 3 ही बार छोड़ा गया। फसल सूख रही है, आप ही का भरोसा है। कोई डिटेल्स है? हाँ सब लाए ना, ये लीजिए। ओके, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोर्ट से इमीडिएट परमिशन लेकर मैं पानी छुड़वाता हूँ। भाई साहब, हमारे गांव के लिए अब सुबह ही गाड़ी है, इसलिए ठीक है, रात आप यहीं गुजार सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया साहब। इन लोगों का रहने खाने का इंतजाम कर देना। जी ठीक है। हाँ ठीक है। जी के सर, आज रात को यहीं रुक रहे हैं। ये अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। चलो चलें। हेलो हेलो, दीदी
दीदी दीदी दीदी दीदी मार भी सकता हूं, नहीं मैं तेरी जैसा क्रिमिनल नहीं बनना चाहता साले। सबका नसीब भगवान लिखता है, लेकिन मैं तेरा नसीब कल कोर्ट में लिखूंगा। के बोल रहा हूं, सूर्या खून खराबा या मार धाड़ नहीं चाहता। कहता है मुझे कानून से मारेगा। कानून तो उसके पास केवल एक किताब के रूप में है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ कानून ही भरा है। प्लान के मुताबिक मैंने कुछ गुंडों को पहले से उसके घर में ठहरा दिया है। अब तो उन्हें धमकी देने का नाटक कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। सूर्या मुफ्त कानूनी केंद्र के नाम पर आतंकवादियों को घर बैठे भड़का रहा है। ऐसा केस बना, उसे अंदर डाल और उठा दे। चार महीने से इसी का इंतजार कर रहा था। Thank you.
और दवाई साथ में जल्दी ले लीजिए। जब तक सूर्या की रिहाई नहीं होती तब तक दवाई का एक घूंट पानी भी नहीं लेंगे। गरीब भीख मांग सकता है लेकिन खाकी वर्दी वाले शर्म आती है शर्म। अभी तुझ पर झूठा केस डालकर ही मैंने तुझे अंदर किया है। ये आईपीसी सेक्शन 341 के अंतर्गत गलती है। कस्टडी में रखे हुए कोई एक्यूज होने पर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लगाया गया तो सेक्शन 200 के अंतर्गत ये भी गलत है। अपराधी के ऊपर FIR दर्ज कराकर से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है तो उसके ना करने पर CRPC सेक्शन 57 के अंतर्गत बहुत बड़ा गुनाह है। इतने सेक्शन बोलने पर भी तुझे दर्द नहीं हो रहा? अब तुझे दर्द होने जैसा एक सेक्शन बोलता हूं। यह भारतीय कानूनी किताब है, इसे लेकर ही तूने हर एक को कानून सिखाया था ना। इसे जलाने से यह देशद्रोही का अपराध कहलाता है। अब मैं इसे जलाने वाला हूं। इसका क्या सेक्शन बताएगा?
इसे मैं जलाने वाला हूं। इलीगल का सेक्शन यही है, समझे? क्या कोई हड़ताल चल रही है? हाँ सर, सूर्या नामक आदमी को अरेस्ट किया गया है। कौन सूर्या? विदेशी कर चुकाने के लिए जिसने सबसे पहले अपना पैसा जमा करके भारत माता को बचाने की जिसने योजना बनाई थी, वही सूर्या सर। ओह, दैट मैन। उसे क्यों अरेस्ट किया है? मेरा नाम सुंदर लिंगम है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुका हूँ। उस लड़के को जानवरों की तरह मारते पीटते और छीन कर ले जाया गया, वो मैंने भी देखा। मेरी आँख गीली हो गई। ऐसी घटना ब्रिटिश साम्राज्य में भी नहीं घटी। क्या ये सब देखने के लिए ही हमने जेल में चक्की पीस कर पत्थर फोड़ कर इतना कष्ट उठाया और स्वतंत्रता दिलाई? उस लड़के ने ऐसी क्या गलती की? उसने तो जन समुदाय को बुनियादी तौर पर कानूनी भाषा सिखाई। क्या ये कोई महा अपराध है? ऐसी क्या गलती थी उसकी? मेरी बात सुनिए सत्यानाथ, उनका उस लड़के को ले जाते देख कर मेरी आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहा है। अरे मैं बोलती हूँ, उस लड़के का कसूर क्या है? हम कीड़े मकोड़े की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे, बनाओ उस बच्चे का जिंदगी आकर हमारी जिंदगी सुधारी। एक वकील की जब ऐसी हालत हो सकती है तो हमें कौन पूछेगा, बताइए। This is atrocity, this is too much. एक अपराधी को पकड़ने के लिए समन लगता है, अरेस्ट के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। कहाँ है वो? हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? This is a democratic country. सूर्य का अपमान पूरे देश का अपमान है। देखा आप लोगों ने कितनी बेरहमी से मेरे सूर्य को खींच कर लेके जा रहे हैं जानवर की तरह। इस देश में क्या हो रहा है? जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा मानना है। लेकिन यदि जवानों को इस तरह मारपीट कर ले जाया जाए तो इसका क्या मतलब? सूर्य ने ऐसी कौन सी गलती की? वकील श्री सूर्य की गिरफ्तारी से पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, खासकर युवा पीढ़ियों में। सारा देश सूर्य की रिहाई की दुहाई कर रहा है। इस केस की सुनवाई कल कोर्ट में होने वाली है। जनता की गुजारिश है कि इस कोर्ट केस को डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाए। और अब नजर डालते हैं खेल के क्षेत्र में। ये बहुत ही अच्छा विषय है। ऑस्ट्रेलिया और भारत चाहिए और जाकर कोर्ट में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था कीजिए। यस सर। कानूनी केंद्र के नाम पर आतंकवादियों को तैयार करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया, क्या यह सच है? इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? बोलिए मिस्टर सूर्या। जज साहब पूछ रहे हैं, बोलिए ना। बोलिए सूर्या। इस कोर्ट में आपका फैसला ही आखिरी फैसला है क्या? हां, इस कोर्ट में मेरा फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अगर इस कोर्ट में मैं गुनहगार साबित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा, मेरी रिहाई मंजूर होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारी रिहाई के चांसेस हैं। इस कोर्ट ने यदि मुझे गुनहगार साबित किया तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? मैं यहां क्या कर रहा हूं, आप यहां क्या कर रहे हैं, और इन वकीलों की यहां क्या जरूरत है? केस एक और उसका फैसला दो, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कानून में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है।
हाई कोर्ट मुंबई में है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। पैसे वाले कहीं भी जाकर अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन बेचारे गरीब क्या करेंगे। एक केस को एक ही कोर्ट में एक नहीं 100 बार पूछे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन फैसला एक ही होना चाहिए। गलतियों को सुधारना चाहिए, फैसलों को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही ऑर्डर। मुझे अपराधी बनाकर इस कटघरे में खड़ा किया गया है। मेरा गुनाह क्या मालूम है सर? एक मिनट, एक लड़की का बलात्कार हुआ है तो वो किस सेक्शन के तहत है? भाई साहब आप बताएंगे? आईपीसी 376। सर मिलावट निषेध का सेक्शन क्या है बताएंगे? सर आपसे पूछ रहा हूं। सेक्शन 12 गलत है, सेक्शन 16 और साल 1954 है सर। यही मेरी गलती है सर। मैंने किताब लिखकर लोगों को कानून के बारे में अवगत कराया सर, और ये सब मैंने मुफ्त में किया। योर ऑनर, लोगों की सेवा करने के लिए पुलिस और कानून है, लेकिन वो जनता जो कोर्ट की मर्यादा रखना चाहती है वो डरती है कोर्ट से। पुलिस गलत केस डालेगी और कोर्ट तारीख दे देगी। जज नहीं आया तारीख, वकील नहीं आया तारीख, पक्ष वाले नहीं आए तारीख, सबूत वाले नहीं आए तारीख। इस तरह तारीख पे तारीख देकर 3 महीने के केस को 30 साल तक खींच देंगे। जज को तनख्वाह मिलती है, वकील को फीस, लेकिन केस का क्या? तारीख। इस तरह कई लोगों की जिंदगी तारीख में गुजर जाती है। एक बहुत सामान्य सिविल केस में ही केस करने वाला जिसपे केस दोनों भर जाते हैं, लेकिन तारीख अगले महीने तक रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, बल्कि भुगतने वाले की कविता है। आज के हालात का सही वर्णन है ये। इसका कारण क्या है? जजों की कमी। जहां 13 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 10 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 लाख केस और हाईकोर्ट में 30 लाख केस पेंडिंग है सर। भारत की जनसंख्या से ज्यादा तो यहां केस है, और यह हालात बदलना चाहिए। जजों और कोर्टों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक साधारण आदमी जब झूठ बोलता है ना, घोर अपराध माना जाता है। वही झूठ जब एक वकील बोलता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। ताजुब की बात है ना सर, स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी एक वकील थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता अंबेडकर वो भी वकील थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू भी वकील थे, और इनके कारण वकील के पेशे को इज्जत मिली है। क्या आज हमारे वकीलों को वकालत की जानकारी है? नहीं है सर। वो हमारा लॉयर दूध में मिलावट करने वाले अपराधी के केस में 5 लाख घूस लेकर उसे रिहा कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि उस दूध को पीकर कितने बच्चों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी सर? ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे कितने वकील हैं जो घूस लेकर केस को बंद कर देते हैं, पैसे के लिए झूठ का साथ देते हैं। अगर पैसा जरूरी है तो चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, चाहे लड़कियों का धंधा कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस पवित्र पेशे का अपमान क्यों? कोर्ट आम आदमी के लिए एक मंदिर है। जज और वकील को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। जब एक बच्चे को एलकेजी में भर्ती करना होता है ना, तो बाप पढ़ा लिखा है ये पूछते हैं, लेकिन 5 साल देश को चलाने वाला एमएलए कितना पढ़ा लिखा है ये पूछते हैं? क्या कानून ने पूछा है? क्या 100 करोड़ जनता में कितनों को मालूम है कि कंज्यूमर कोर्ट किस चिड़िया का नाम है? क्या गांव वालों को कानून की जानकारी है? क्या लोगों को कानूनी भाषा समझ में आती है? लोग जिस तरह अपनी जरूरत की चीजें खरीदने मार्केट जाते हैं, उसी तरह वो यहां आए अपनी कानूनी समस्याओं को लेकर। 55 साल के स्वतंत्र देश में ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को कानून की भाषा समझ में नहीं आती। कानून ना जाने के कारण लोग गलती करते हैं, गलती अपराध में बदल जाती है, और अपराध आतंकवाद में बदल जाता है। यह आतंकवाद ही देश को मिटा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि आज के बच्चों को सम्राट अशोक ने पेड़ लगाए या कुएं खुदवाए या पानीपत में कब और कैसे लड़ाई हुई ये सिखाने के बजाय EP-75, CRPC-307 और 429 क्या है ये सिखाइए। कानूनी शिक्षण बुनियादी तौर पर पाठशाला में अनिवार्य है। इस देश में सेक्स को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं? कानून की भाषा सिखानी चाहिए हमें। एक हिंदू को गीता का ज्ञान हो ना हो, एक मुसलमान को कुरान का ज्ञान हो ना हो, एक क्रिश्चियन को बाइबल की जानकारी हो ना हो, सभी भारतीय नागरिकों को कानून की जानकारी जरूरी है। मुफ्त कानूनी केंद्र के नाम पर आतंकवादियों को भड़काऊं करके मुझे गिरफ्तार किया गया है, और खुद कानून जानने वाला जीके अनजान जनता को धोखा दे रहा, और इसलिए मैंने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। उसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज मैं इस कटघरे में खड़ा हूं, और इसमें उसका साथ दिया कुछ पुलिस वाले और कुछ कानून के जानकार भी। आतंकवादी और पुलिस का बयान सुनने के बाद मेरे निरपराधी होने का आपको यकीन हो गया होगा। और अगर जनता के बीच कानून की जागृति पैदा करना अगर कोई गुनाह है,
तो मैंने ये गुनाह किया है। भूख से बुझने वाला नहीं हूं मैं, सूर्य। I'll fight for justice. And I'll die for justice. मेरी दीदी ने बहुत कुछ खोया है, अपनी जान भी दे दी। उसके लिए मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मनुष्य के पास 6 इंद्रियां हैं। वो इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके सदा के लिए, ना कि एक दूसरे की खामियों का किसी भी तरह का फायदा उठाए। आतंकवादियों और पुलिस के गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील श्री सूर्या को यह कोर्ट बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और श्री सूर्या के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर तथा इस कोर्ट और भारत के कानून की तथा श्री सूर्या की तोहिन करने वाले जीके और उसका साथ देने वाले पुलिस कमिश्नर मुत्तु वेल को 24 घंटे के अंदर बंदी बनाकर कैद करने का हुक्म ये अदालत सुनाती है। मैंने कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ जानने के लिए कहा था। एक ने किया तो खून है और वही 100 ने किया तो वो आतंक। तूने तो एक मेरे जीजा को मारा और तुझे मारने यहां 100 खड़े हो गए। अभी अगर मैंने सर हिलाकर एक इशारा किया तो 13 सर नहीं बचेगा, लेकिन 13 बदला लेने के लिए ना मैं जानवर हूं और ना तू इंसान है। इंसान बन। मिस्टर जॉर्ज। यस सर। मुझे सूर्या से मिलना है। जी सर। अरेंज कीजिए। ठीक है ठीक है। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी ये कोशिश सारे देश के जनता के सामने पहुंचनी चाहिए और आपकी इस कोशिश में हम आपके साथ हैं। हम हैं भारतवासी, कोई बंगला कोई मद्रासी, मिलकर कदम बढ़ाए जीत ले सारी दुनिया। हम हैं भारतवासी, कोई बंगला कोई मद्रासी। इस बीच सूर्या प्रिया से शादी कर लेता है। सारा जमाना मिलकर तेरा हंसता रोक न पाएगा और पिघल जाएगा बादल पर्वत शीर्ष।